फटाफट मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। हाँ, सेलो का जो फ्लास्क है एक में है पानी फुल और एक में है पानी हाफ। मेरा जो घड़ी है इसमें दिखा रहा है 11:33, ठीक है। तो मैं कल आपको 24 घंटे बाद मतलब कल 11:30 बजे इसको खोलूंगा, उसमें देखूंगा कि किसमें पानी ज्यादा गर्म रहता है। गैस आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए अभी तक धुआं निकल रहा है। देखिए सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये 55.6 यहाँ पे एकदम अटक गया है। सो हेलो फ्रेंड, मैं सुशांत, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुशांत रॉय SDS। सो फ्रेंड आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज सेलो प्रेस्टीज और मिल्टन जो कंपनी है उसका एक फ्लास्क आता है स्टील फ्लास्क, इस तीनों फ्लास्क का मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा ये कि अगर इसमें आप लोग पानी रखोगे तो कितना टाइम तक इसमें पानी एक्यूरेट गर्म रहेगा। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने लिया है आज प्रेस्टीज का 2 फ्लास्क लिया है, स्टेनलेस स्टील जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे देखिए मिल्टन का 2 फ्लास्क लिया है और यहाँ पे सेलो का 2 फ्लास्क लिया है। सो फ्रेंड ये जो कंपनी है तीनों कंपनी ब्रांडेड है, और यहाँ पे दो दो करके फ्लास्क लेने का रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फ्लास्क है ना इसमें अगर आप लोग पानी एकदम भर के रखोगे तो पानी आपका जो है ज्यादा टाइम तक गर्म रहेगा, और अगर पानी आप इससे थोड़ा थोड़ा करके निकालोगे ना तो पानी का टाइमिंग और पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा घट जाएगा। सो फ्रेंड मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली इसमें कंपनी दावा करता है कि 24 घंटे तक इसमें पानी गर्म रहेगा। सो इसी को देखने के लिए, इसी को जज करने के लिए मैं आपको ये वीडियो आज बना कर दिखाऊंगा। तीनों जो फ्लास्क है तीनों फ्लास्क में एकदम पानी फुल, और तीनों जो फ्लास्क है इसमें पानी हाफ करके मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब 24 घंटे बाद आपको दिखाऊंगा कि इस तीनों फ्लस में से रिजल्ट किस में ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो फ्रेंड देर न करते हुए चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पतीला एकदम गर्मा गर्म पानी यहाँ पे रखा है, आप यहाँ पे देखिए, और मेरे पास ये जो है ना ये है किचन थर्मोमीटर। मैं आपको यहाँ पे इसकी जो टेम्परेचर है इसको आपको दिखाता हूँ कि इसका टेम्परेचर अभी कितना, आप देख सकते हैं यहाँ से एकदम धुआं निकल रहा है। मेरा जो रूम का टेम्परेचर है वो है 24, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 90.5 अभी जो फिलहाल इसकी टेम्परेचर है वो दिखा रहा है ना, वो अभी घट गया है। मैंने यहाँ पे 90.5 में फटाफट इसे मैंने यहाँ पे ढाल देना है, अभी देखते तो फटाफट मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। हाँ, सेलो का जो फ्लास्क है एक में है पानी फुल और एक में है पानी हाफ, मैं इसे अभी एकदम सही तरीके से बंद कर दे रहा हूँ, इसे मैं रखता हूँ एकदम साइड में। अभी मिल्टन का जो फ्लास्क है इसमें पानी दे के देखता हूँ, इसे मैं भी कर लेता हूँ अभी फटाफट बंद, रख दिया है साइड में। और अभी जो बचा है वो है प्रेस्टीज, यहाँ पे भी थोड़ा एक्चुअली इसमें से थोड़ा निकाल के एकदम सेम टू सेम मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा जो है ना पानी कम हो गया है ताकि तीनों में बराबर पानी रहे। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने तीनों में एकदम फुल और तीनों में एकदम हाफ हाफ करके पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और अभी देखिए फिलहाल मेरा जो घड़ी है इसमें दिखा रहा है 11:33, ठीक है। तो मैं कल आपको 24 घंटे बाद मतलब कल 11:30 बजे इसको खोलूंगा, उसमें देखूंगा कि किसमें पानी ज्यादा गर्म रहता है। सो ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, 24 घंटा बीत चुका है, अभी मैं आप लोगों को ये जो 6 फ्लास्क में मैंने जो पानी गर्म करके रखा था ना इसे मैं अभी आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है। जब मैं पानी यहाँ पे पोर कर रहा था तब थोड़ा टाइमिंग हो सकता है कि 10 या 20 सेकेंड थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 पॉइंट मतलब डिग्री को आप समझ लीजिए, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है। टाइम जो हो रहा है देखिए यहाँ पे 11:24, मैं एक एक करके पहले मिल्टन की जो फ्लास्क है इसे खोलता हूँ। गैस आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए अभी तक धुआं निकल रहा है, देखिए ये जो भरा हुआ है वही है, आधा वाला मैंने नहीं निकाला है, थोड़ा पानी को टच करके देखता हूँ। फ्रेंड ये गर्म है, ये वाकई में बहुत ज्यादा गर्म है, अभी तक मैं इसकी टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये 55.6 यहाँ पे एकदम अटक गया है, ये काफी गर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे धुआं निकल रहा है। मैं फिलहाल इसे अभी बंद कर दे रहा हूँ, और मिल्टन का ये जो हाफ फ्लास्क है मतलब
जिसमें मैंने हाफ पानी रखा था उसका रिजल्ट आपको थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ से भी आप थोड़ा नोटिस कीजिए, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है, दिखाई दे रहा है धुआं। सो फ्रेंड इसको थोड़ा मैं देखता हूँ कि ये गर्म, सो फ्रेंड ये भी गर्म है लेकिन फिलहाल थोड़ा कम है लेकिन गर्म है। इसको भी थोड़ा मेजर करके देखते हैं हम। सो फ्रेंड ये 45.1 में ही अटक गया है, मतलब 45.1 इसका अभी जो टेम्परेचर है 45 डिग्री। तो मेरे हिसाब से तो मिल्टन जो अपना काम कर रहा है ना एकदम सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इसमें पानी अभी तक गर्म है, धुआं निकल रहा है, आप तो खुद ही देख चुके हो। अभी प्रेस्टीज का यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। सो फ्रेंड इसमें भी आप देख सकते, देखिए इसमें भी धुआं निकल रहा है फ्रेंड। और अभी देख लेते यहाँ पे, सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 55.4 पे ये अटक गया है तकरीबन मिल्टन का, मतलब मिल्टन और प्रेसिस का जो गर्म है एकदम सही है। अभी प्रेसिस का जो हाफ है जिसमें हाफ मैंने पानी रखा था, अभी थोड़ा इसको खोल के देखते हैं, इसमें से थोड़ा थोड़ा तो मतलब धुआं नहीं निकल रहा है, अभी देखते हैं। लेकिन ये गर्म उतना भी नहीं है, हाँ यहाँ पे देखते हैं। सो फ्रेंड ये देखिए आप देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 38.2 यहाँ पे देखिए दिख रहा है 38.2 प्रेस्टीज का जिसमें हाफ मैंने पानी रखा था उसमें है 38.2, मतलब आप 38 ही उसे पकड़ लीजिए 38 डिग्री। अभी बारी है सेलो का, यहाँ पे देखिए जिसमें पानी फुल है इसे मैंने इसको खोल दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए फ्रेंड यहाँ से भी एकदम अच्छी तरह से धुआं निकल रहा है। सो फ्रेंड इसका भी पानी तो मुझे ठीक ठाक गर्म ही लग रहा है, और थोड़ा चेक करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो फ्रेंड सेलो का जो फ्लास्क है इसमें जो टेम्परेचर दिखा रहा है 56.6 मिल्टन और प्रेस्टीज से 1 डिग्री ज्यादा, अनबिलीवेबल। अभी देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा धुआं, थोड़ा थोड़ा शायद आप देख सकते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम क्लियरली देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है। सो फ्रेंड ये भी गर्म है, इसे थोड़ा चेक करके आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 44.3 है ना, 44.3 अभी 43 हो गया, घट जा रहा है। 44.3 सेलो का जो हाफ फ्लास्क है मतलब जिसमें पानी हाफ है उसमें 44 डिग्री है, मतलब ये जो तीनों फ्लास्क है ये तीनों फ्लास्क एकदम सही है। मतलब मैंने आपको बोला था कि 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री का डिफरेंस आया, वो भी सेलो का ज्यादा है गर्म 1 डिग्री। मिल्टन का भी था 55 और प्रेस्टीज का भी था 55, सेलो का था 56। सो फ्रेंड और एक जरूरी बात, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और उसके साथ साथ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसा ही वीडियो होम एंड किचन रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। हर एक फ्लास्क में आपको 1 साल की गारंटी दिया जाएगा, खरीदने के बाद आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि ये कहीं गिर के इसमें कहीं पर डेंट ना आ जाए। अगर डेंट इसमें आ जाता है तो आपको गारंटी नहीं मिलेगा, अगर इसमें डेंट ना हो तो आपको एकदम 1 साल की फुल गारंटी मिलेगा। अगर 1 साल में स्टील बॉडी कहीं पे क्रैक कर जाए या ठंडा नहीं रहे या गर्म नहीं रहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो स्टेनलेस स्टील फ्लास्क है इसमें पानी गर्म तो रहेगा ही, और इसमें शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि इसमें पानी ठंडा भी रहेगा, आप जिसमें पानी गर्म रख सकते हो उसमें आप पानी ठंडा भी रख सकते हो। ये तीनों फ्लास्क की जो परचेस लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, अगर आप लोग चाहे तो वहाँ पे जाके आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद जय भारत।